ई में होता क्या है कि कार 30% पावर कम यूज करती है, जो टर्बो मतलब यूज तो पूरी करेगी, लेकिन जब तक ये जो आरपीएम है ये 3 तक नहीं जाएगा तब तक ये अपनी 70% यूज करेगी। 3 के बाद इसका पूरा टर्बो खुल जाता है, वॉल्व खुल जाता है, उसके बाद ये अपनी पूरी पावर उठा लेगी। ये देखो गाइस पहला राउंड, और वो 20 पे उठ जाएगी, मैं 40 पे उठाऊंगा, देखना भाई। वो भाई गया और मैं 40 पे उठाऊंगा भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई और एक्सट्रीम ड्रैग रेस, जो कि है अपनी होंडा और अपनी मर्सिडीज के बीच में। सो भाई, आप बोलोगे कि भाई दोनों कारों का क्या कंपैरिजन है जो हम इनकी ड्रैग कर रहे हैं। तो भाई, अगर मेरी कार होती स्ट्रोक तो इन दोनों कारों का भाई डायरेक्ट कंपैरिजन है, क्योंकि 131 BHP 136 BHP अपनी स्ट्रोक आती है। सो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन भाई अपनी है ट्यून्ड। और लास्ट टाइम जो मेरी ऑटोमेटिक सिविक 2019 या 20 मॉडल थी, जिसके साथ मेरी ड्रैग हुई थी, उसके अंदर था सीवीटी, जिसके लैग की वजह से, एक सीवीटी गेयर की वजह से वो कार इतना पीछे रही थी कि आप सब लोग मजाक बना रहे थे उसका। तो भाई, आप सारे भाइयों की ये डिमांड थी कि एटलीस्ट मेरी इस वाली सिविक के साथ ड्रैग होनी चाहिए, ये उससे ज़्यादा कंपटीशन दे पाएगी। मैनुअल है, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर। और गाइज, आपने इसकी ड्रैग देखी रखी है, वरना वगैरह इसने कोई नहीं छोड़ी है। सो गाइज, आज सिर्फ देखना ये है कि जो लास्ट वाली सिविक थी और जो ये वाली सिविक है, वो ज़्यादा गैप दे पाई थी या ये उस गैप को कवर कर पाएगी, उससे ज़्यादा आगे रहेगी। और गाइज, दूसरा हम ये करेंगे कि इस कार को भाई हम सारी एडवांटेज देंगे, आगे से भी उठाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं दोनों कारों को जहाँ पर टक्कर मिले उतनी चीज़ हम करेंगे ज़रूर। उस कार का एसी वगैरह ऑन रखेंगे, नॉर्मल गियर में रखेंगे। सो शुभम भाई, कैसे हो? सो ये कार है भाई अपने शुभम भाई की। तो शुभम भाई, क्या लग रहा है आपको? भाई देखो, एक तो ऑटोमेटिक आपकी अगर स्टॉक होती है 200, तो कहीं ना कहीं हो सकता था ये कंपैरिजन हो पाता बिल्कुल। ईसीयू आपका 200 HP रखी आपने, पर मेरी ये है, मेरी मैनुअल है। तो लॉन्च में कोई लैग नहीं है? लॉन्च में इसका कोई लैग नहीं, इसकी पूरी हाथ की बात रहेगी मेरी। तो भाई देखो, पता है रिजल्ट तो सामने, पर बिल्कुल भाई फन के लिए कर रहे हैं कुछ। हाँ जी, ये देख रहे हैं कि इसमें इतनी कितनी जान बची है कि उसको कितना कवर कर पाती है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आज की अपनी ड्रैग रेस में भाई कैसे क्या सिस्टम रहेगा, कितना कवर कर पाएगी कार, कितना आगे पीछे रहेंगी। आइए गाइस देखते हैं फर्स्ट राउंड। सो गाइस, आ गए हैं हम अपनी A200 में, और करेंगे भाई ऐसा, क्योंकि देखो भाई, आप सब बोलोगे कि उस कार की पावर कम है, तो भाई फुल एडवांटेज देंगे। मैं नॉर्मल भाई ई में लगा रहा हूँ, ई में आप देख रहे होंगे, ये देखो ई में होता क्या है कि कार 30% पावर कम यूज़ करती है, जो टर्बो मतलब यूज़ तो पूरी करेगी, लेकिन जब तक ये जो RPM है ये 3 तक नहीं जाएगा तब तक ये अपनी 70% यूज़ करेगी। 3 के बाद इसका पूरा टर्बो खुल जाता है, वॉल्व खुल जाता है, उसके बाद ये अपनी पूरी पावर उठा लेगी। तो शायद तब तक उस कार को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए। AC मैं अपना ऑन रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा भाई, मैं कोई इसका हार्डकोर लॉन्च नहीं करूँगा, जैसा मैं करता हूँ लेफ्ट पैर ब्रेक पर, राइट पैर एक्सेलरेशन पर, ऐसे नहीं करूँगा भाई। मैं नॉर्मल ब्रेक पर है, 3 हॉर्न भाई करेगा, उसके बाद मैं नॉर्मल यहाँ पर प्रेस करूँगा। ये देखो गाइस पहला राउंड, और अब क्रॉस किया है भाई, क्योंकि लेट भी उठाई थी, और भाई पावर का देखो काफी फर्क आ गया। मैं ब्रेक ले लेता हूँ भाई, ठीक है, कोई फायदा नहीं है ज्यादा, गाड़ी काफी पीछे रह गई है। देखो सिविक, भाई एक चीज करते हैं, देखो पावर का बहुत फर्क पड़ रहा है, मैंने पहले राउंड में देख ली, लेट भी उठी फिर भी कैसे गई आपकी कार भाई, खड़ी करवाएंगे 4 कार आगे, उसके बाद लॉन्च करेंगे वहां से आते हुए, फिर देखते हैं कि भाई एक बारी, क्योंकि ना इनिशियल आपका भी उठने के बाद गाड़ी फिर खिंचती है, तो वो टाइम मिल जाएगा अपनी गाड़ी को, है ना, क्योंकि अगर साथ साथ लेंगे ना, साथ साथ लॉन्च करेंगे, तो भाई फिर एक ही बार फैसला आना है। और जनता ने भी यही कहना है कि भाई मतलब पावर है और कोई देखने का फायदा ही नहीं है जब तक भाई उनको दिखाएंगे नहीं इंटेंस। ठीक है भाई, आओ फिर। सो भाई आप समझ गए ना करना क्या है हमने, फटाक से भाई उधर से लगाते हैं।
और गाइस आप सारे भाइयों से मेरा एक विनती है, भाइयों प्यार दिखाया करो यार, मतलब आप समझो भाई, मतलब रोज़ रोज़ भाई गाड़ियाँ ढूंढ के लाना, और भाई अपनी कार की पावर इतनी है, इसके हिसाब से भाई गाड़ी ढूंढना भाई मुश्किल होता है, इसलिए हम ट्राई ये करते हैं भाई कि थोड़ी गाड़ियाँ मिल जाए, उनको एडवांटेजेस दे दिए जाए, तो दोनों कारों का हिसाब बराबर बराबर सा आ जाए। क्योंकि भाई अभी लास्ट मेरी BMW से हुई थी, मतलब कितनी तो BMWs वगैरह ऑडी से भाई मैं कर चुका हूँ, मर्सिडीज से भी हार चुका हूँ, सबसे कर चुका हूँ, अब भाई रोज़ रोज़ कहाँ से लाए। सो भाई आप प्यार दिखाया करो यार, मेरे से जितनी पॉसिबल होगी मैं उतनी अच्छी कारें लाकर आपको दिखाया करूँगा। डन भाई, डन 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 डन। सो मैं भाई पीछे लगा लेता हूँ भाई से काफ़ी गाड़ी, और नॉर्मल गियर पे ही रखूँगा सारी चीज़ें मैं। ये देख लो भाई मैंने इतना ठीक है, या आप कहो तो थोड़ा सा ले लो भाई, और पीछे कर लेता हूँ, और पीछे कर लिया भाई मैंने, और अब बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल गियर है, ई पे ही है, एसी ऑन है भाई, और भाई को मैं हाथ दिखा देता हूँ। अब देखते हैं भाई कितनी देर में उसको कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस रोड पर। कितने पे? 140 पे क्रॉस करके गई है भाई। आगे गाड़ी आ गई भाई, ब्रेक लेनी पड़ गई, लेकिन तब तक गाड़ी क्रॉस कर गई थी अपनी भाई। तो भाई ये एडवांटेज देकर नॉर्मल गेल में भी हमने देख लिया है। अब एक रोलिंग करके देखेंगे भाई, जिसमें क्या होगा कि भाई वो उसको उठा देंगे हम 20 पर ही, और अपनी गाड़ी हम उठाएंगे भाई 40 पर, है ना। ये फाइनल और लास्ट राउंड करेंगे भाई। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना भाई, मैं कहीं पर भी मैंने अपनी कार की एग्रेसिव सेटिंग्स जो होती हैं स्पोर्ट सेटिंग्स कहीं पर भी यूज़ नहीं करी हैं। सो आ गए हैं, थोड़ा सा भाई हम पीछे से कर रहे हैं, ताकि जब रोल इन करते हैं ना भाई तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, आपको ज़्यादा रोड चाहिए होता है। सो इसलिए ये देखो थोड़ा सा हम पीछे से कर रहे थे, और आपको जैसे कि मैंने बताई दिया है दोनों कारें भाई इकट्ठी उठेंगी, ठीक है। ये भाई की लग गई है, यहाँ से हम भाई इकट्ठे लॉन्च करेंगे, लेकिन जब हम आगे पहुँच जाएंगे सो वहाँ पर मेरा भाई 20 पे लॉन्च कर देगा, ठीक है भाई। जैसे ही आपकी 20 आए आप उठा देना, मैं 40 पे उठाऊँगा सिर्फ, और ये फाइनल कर देंगे इस राउंड को, है ना, ज्यादा ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई, वो 20 पे उठ जाएगी, मैं 40 पे उठाऊंगा, देखना भाई। वो भाई गया और मैं 40 पे उठाऊंगा भाई, अब उठाइए। मैंने पूरी पूरी जगह दी है भाई सिविक को, ये देखना है कितने की स्पीड पे उसको पकड़ पाऊंगा नहीं पकड़ पाऊंगा। वेरी भाई कर गया भाई क्रॉस, ऑलमोस्ट भाई मैंने उसको 150 पे क्रॉस किया। सो काफी अच्छी जगह थी भाई उस गाड़ी को, और एक बारी भाई वो गाड़ी उठ जाए ना तो भाई उसकी पावर ही अलग है भाई, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड है, और भाई बहुत बम्प कार है भाई। मेरे पास सिविक रही है, ऑटोमेटिक थी, उसकी इतना अच्छा लॉन्च नहीं था, लेकिन टॉक कन्वर्टर था जो नए वाली सिविक है CVT के साथ, सो उससे बेटर थी। तो इतना फर्क है भाई दोनों में, इसने उससे ज़्यादा टक्कर दी है मेरे को, उससे ज़्यादा देर ये आगे रही है, उससे ज़्यादा स्पीड में जो नए वाली CVT है 1.8 जो आती है उससे ज़्यादा स्पीड में मैंने इसे क्रॉस किया है। उसको मैं 90-80 पे क्रॉस कर रहा था, इसको मैंने 150-150 पे क्रॉस किया है भाई। सो फ़र्क है भाई, ये वाली सिविक ज़्यादा कैपेबल है नए वाली सिविक से। पता नहीं भाई नए वाली सिविक में इन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों किया कि भाई उस कार का इन्होंने बिल्कुल रद्दी पेल दी है। सो शुभम भाई आपका AC ऑन रह गया था इस वाले में, तो चलो एक और कर लेते हैं। आओ भाई मैं इन भाई को भी बैठा लेता हूँ, और सेम उसी में करेंगे 20 और 40, ठीक। आओ भाई बैठ जाओ।
सो गाइज एक राउंड और कर रहे हैं, अपनी सिविक को एक एडवांटेज और दे रहे हैं। भाई ने बोला कि उनका एसी ऑन रह गया था, तो हमने क्या किया कि भाई नेक्स्ट राउंड कर रहे हैं जिसमें भाई अपना एसी ऑफ कर लेंगे। दूसरा अपने साथ एक भाई बैठ गए हैं, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया मेरे भाई। सो इससे थोड़ा भाई वेट जब कारों में आ जाता है ना, इससे फर्क आएगा। लास्ट टाइम मैंने उसको 150 पे क्रॉस किया था, इस बारी शायद 160-170 पे भी क्रॉस करना पड़ जाए, क्योंकि भाई वेट से और एसी से दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना फाइनल राउंड। एसी ऑफ है भाई का इस बारी, और अपना सारा सिस्टम आपको पता ही नॉर्मल है। और भाई हम 40 पे उठाएंगे, भाई उठा देगा 20 पर। चालीस पे उठाइए भाई, करेक्ट। अब ये देखना पड़ेगा भाई कितनी के स्पीड में मेरी कार उसे क्रॉस करेगी। देखा भाई, पिछली बार 150 में गई थी, इस बारी 165 पे क्रॉस करके गया हूँ। 180 चली गई थी भाई ऑलमोस्ट। और भाई अपने इस राउंड में भी अपन आगे निकल गए, लेकिन फर्क इतना पड़ गया कि लास्ट टाइम मैंने जब मेरी कार में कोई नहीं था और मैं अकेला था, तो मैंने क्रॉस किया था भाई सिविक को ऑलमोस्ट 150 पर। इस बार उसका एसी भी ऑफ था और अपने साथ एक भाई भी बैठ गए, वेट था, तो 165 पे क्रॉस किया। भाई फर्क होता है, बहुत फर्क पड़ा है, 15 की स्पीड का फर्क पड़ गया। सो गाइज ये थी आज की अपनी ड्रैग रेस अपनी होंडा और मर्सिडीज के बीच में, जिसमें भाई होंडा स्ट्रोक थी और भाई अपनी ट्यून्ड थी। इसमें हमने किए भाई 4 राउंड्स, 2 ड्रैग करी भाई, 2 हमने रोलिंग रेस करी हैं। ड्रैग्स में भाई एक तो हमने साथ साथ करी थी, होंडा में भाई कोई आपका स्पोर्ट्स गियर वगैरह कुछ नहीं आता है, एसी ऑफ किया, मैनुअल है ये, वैसे ही स्पोर्ट्स गियर में चली जाती है। अपना भाई स्पोर्ट्स गियर वगैरह लगाना पड़ता है, जो कि भाई लगाया नहीं, क्योंकि भाई बिल्कुल भी लगाना बनता ही नहीं है। 200 bhp, 130 bhp, 70 bhp का फ़र्क जब गाड़ियों में आ जाता है, तो आप इसको नॉर्मली चलाओ। और भाई पहली जो ड्रैग थी उसमें भाई अपनी कार आगे निकल गई थी, सेकंड में हमने भाई 5 कारों की एडवांटेज दी इसे, उसमें भी भाई आगे रही। थर्ड रोलिंग में भाई 150 पे क्रॉस कर पाया हूँ मैं इस ट्रैक पे, भाई मैक्सिमम हम 185-190 जा पाते हैं। तो 150 पे क्रॉस करना भाई आप खुद समझ जाओ लिमिट पे क्रॉस करना होता है। और जो हमने फोर्थ रोलिंग करी उसमें भाई इस कार ने मेरे पसीने निकलवा दिए, ऑलमोस्ट 165-170 पे भाई एंड लाइन जहाँ पर रेस ख़त्म होती है भाई वहाँ पर मैंने इसको क्रॉस किया है। और अगर आप ड्रैग लाइन लगाओगे ना, तो ड्रैग तो होती ही भाई ऑलमोस्ट 160 तक की है, जाम ख़त्म कर देते हैं, तो उस लाइन के बाद ही क्रॉस कर पाया। सो गाइज ये थी आज की अपनी ड्रैग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नई ड्रैग के साथ, एक नए रिव्यू के साथ और एक नए डेली व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।